अभी तो मुलाकात है, मुलाकात के बाद ही कुछ बता पाऊंगा मैं। लेकिन एक लक्ष्य है सबका कि देश से बीजेपी जाए, लक्ष्य एक है। जैसे सत्य नहीं बदल सकता है और लक्ष्य भी नहीं बदल सकता कि हम सब लोग मिलकर के बीजेपी को हटाना चाहते हैं। अध्यक्ष को बुलाई कहाँ गए? सत्यम है। अच्छा सर, कॉर्पोरेटर विजयवाड़ा का सिटी में आई आने दो उनको। प्रेसिडेंट साहब है। अच्छा नमस्कार। और रमेश है। देखिए कोई बात अभी कहने के लिए नहीं है, अभी कोई बात इस तरह की नहीं है। लेकिन जब आप दिल्ली की सरकार में बीजेपी को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। अरे बीजेपी को हटाने के लिए सभी का लक्ष्य है, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, अन्य दल हो। दल है, हम सब दल मिलकर की कोशिश यही कर रहे हैं कि बीजेपी देश से हटे। बीजेपी का हटना देश के हित में, संविधान को बचाने के। सर, ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि 40 समाजवादी पार्टी के नेता उनसे मिलते हैं, उनका कहना है सर, जो जिससे मिलते हैं उनसे कहो वो ले जाए, हमारे जिनसे वो मिलते हैं उससे कह दो कि ले जाएं। कांग्रेस की राहुल गांधी भी आए थे ना सर, राहुल गांधी भी आए। देखिए वो तो सब लोग आएंगे, बीजेपी को हटाना कौन नहीं चाहता है। और जो बीजेपी को हटाना चाहते हैं उन्हें कम से कम उन दलों को साथ आना चाहिए जो बीजेपी से लड़ रहे हैं। बीजेपी का जो मुकाबला कर रहे हैं उनको सबको साथ लाने का ही कोशिश लगातार रही है और होती रहेगी। कितने दिन के दौर आए सर? बस अभी मिलकर के जा रहे हैं, फिर बुलाएंगे तो फिर आएंगे। कांग्रेस और बीआरएस अगर साथ नहीं आ रही है, उन्हें साफ कर दिया, तब ऐसे में फिर आप लोग कैसे? बीआरएस ही तो लड़ रही है बीजेपी से, लेकिन फिर कांग्रेस भी तो वही कह रही है। बीआरएस नहीं लड़ेंगे तो हम नहीं लड़ रहे क्या बीजेपी से? कांग्रेस हमसे लड़ेगी क्या? लेकिन आपको समझना चाहिए कांग्रेस हमसे लड़ेगी। नहीं, मैं कह रही हूँ कि साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।